नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। जोधपुर कोर्ट में आरोपी की हाजिरी के समय हुई फायरिंग मामले में वालियू पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वालियू पुलिस की मदद से राजस्थान पुलिस ने पकड़ा मुख्य आरोपी गैंगस्टर भंवर सिंह राजपूत की हुई गिरफ्तारी। राजस्थान के जोधपुर अंतर्गत कुछ समय पूर्व एक मामले के आरोपी को राजस्थान पुलिस द्वारा जोधपुर न्यायालय में पेश किया गया था। कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल में शिफ्ट करने से पहले ही वहीं कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस की उपस्थिति में दो गैंगस्टर द्वारा कोर्ट में पेशी पर लाए गए आरोपी को फायरिंग कर मार दिया गया था। उस घटना के मास्टरमाइंड आरोपी को राजस्थान पुलिस ने वसई वाली पुलिस की मदद से बोरीवली से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। यह जो सीसीटीवी फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सीसीटीवी फुटेज उसी गोलीबारी की घटना की है जो कि जोधपुर न्यायालय के सामने घटित हुई थी। राजस्थान पुलिस ने अपने वहां मर्डर का मामला दर्ज कर इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। राजस्थान पुलिस की जांच में घटना के मास्टरमाइंड गैंगस्टर भंवर सिंह राजपूत के वसई में होने की जानकारी मिली। तब राजस्थान पुलिस ने वसई के वाली पुलिस से संपर्क साधते हुए संयुक्त रूप से आरोपी की खोजबीन शुरू की। तभी वसई पुलिस की क्राइम यूनिट को आरोपी की मूवमेंट की जानकारी मिली कि आरोपी बोरीवली की तरफ गया है। पुलिस ने बिना समय गवाए बोरीवली जाकर आरोपी की पहचान कर आरोपी को पकड़ लिया और राजस्थान पुलिस को सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि इस आरोपी को पकड़ना पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि आरोपी पेशेवर मुजरिम है और पहले से गैंगवार में लिप्त है। साथ ही आरोपी राजस्थान के जोधपुर में भी न्यायालय के सामने पुलिस की उपस्थिति में मर्डर अंजाम दे चुका है जिसके पास हथियार होने की पूरी संभावना थी। इतनी चुनौती होने के बावजूद वाली पुलिस ने राजस्थान पुलिस की मदद करते हुए आरोपी को धर दबोचा। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। सर क्या कहेंगे, राजस्थान के जोधपुर में गोलीबार करने वाले आरोपी को आपने अटक किया है, क्या माहिती है? राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित एक रातानाड़ा पुलिस स्टेशन में 302 के तहत एक मामला दर्ज है और उस मामले की हकीकत ऐसी है कि जब पुलिस पार्टी एक आरोपी को कोर्ट में पेश करके मध्यवर्ती कारागृह में जमा करने के लिए ले जा रहे थे तो उसी वक्त दो आरोपियों ने टू व्हीलर पे आके उनके ऊपर पीछे से गोलीबारी की है और उस गोलीबारी में वो जगह पे ही मृत हो गया है। तो वो जो आरोपी की छानबीन के लिए शोध काम के लिए राजस्थान पुलिस महाराष्ट्र आई थी और यहाँ आने के बाद उनको हमारे पुलिस आयुक्त दाते सर, हमारे अपर पुलिस आयुक्त जय कुमार सर और हमारे जोन 2 के उपायुक्त संजय कुमार पाटिल सर, हमारे सहायक पुलिस आयुक्त सिरसाट सर, इनके मार्गदर्शन के अनुसार और हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बर्वे सर, इनके गाइडेंस के अनुसार हमने हमारे डीबी पथक के ईपीएफ हड़तरे और उनकी टीम को नियुक्त किया था, रवाना किया था। तो उन्होंने जाके वो जो कॉलर था, कॉलर को कब्जे में लिया, कॉलर को पूछताछ की, तब पता चला कि 10 मिनट पहले ही वो जो आरोपी है वो बोरीवली मुंबई की तरफ निकल चुका है। तो हमारी टीम भी उसी तरफ गई, आगे गई और उन्होंने वो आरोपी को ढूंढा तो एमसीएफ गार्डन बोरीवली के पास वो आरोपी को कब्जे में लिया है। बड़ा साहसी काम हमारी टीम ने किया है। हालांकि एक गैंगवार से ये घटना हुई है ऐसा हमें स्थानीय पुलिस की ओर से पता चला है। जब गैंगवार के आरोपियों को पकड़ा जाता है और गोलीबारी आम सड़क के आरोपियों को पकड़ा जाता है तो बड़ी संभावना होती है कि आरोपी के पास और कोई आम मतलब अग्निशस्त्र होने की बड़ी संभावना होती है। उसके बावजूद हमारी डीबी के टीम ने जाके बड़े कौशल मतलब कुशलतापूर्वक और साहसी काम हमारे टीम ने किया, आरोपियों को दबोच लिया और राजस्थान पुलिस के हवाले किया है। सर ये कितने टाइम से यहाँ वसई की सीमा में रहता है, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, ये जो आरोपी था अभी आया था, मतलब पनाह लेने के लिए आया था यहाँ पे, वो यहाँ नहीं रहता। थैंक यू सर।